हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रामरायणी बायोलॉजी क्लासेस। आपका रामरायणी बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट माई सेल्फ मदनलाल एंड टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्लास्टिड। एज यू नो जो प्लास्टिड्स होते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट भी हम इनको कह देते हैं एंड दे आर फाउंड मेनली इन द प्लांट्स। तो जो प्रीवियस लेक्चर था बच्चों हमारा, दैट इज 18th लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है अभी तक तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज हमारा 19th लेक्चर है इस चैप्टर का, शुरू करते हैं प्लास्टिड। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज प्लास्टिड इज, और ये आपको दिखते कैसे हैं, आप इनको कैसे देख सकते हैं। देखिए बच्चों, प्लास्टिड जो हैं दीज आर द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, कि साइटोप्लाज्म में मिलने वाली ऑर्गेनेली हैं एंड कैन बी इजीली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप, कि जो हमारी लैब में माइक्रोस्कोप रखे होते हैं बायोलॉजी लैब में, उनमें हम इनको इजीली देख सकते हैं। लेकिन इन लाइट माइक्रोस्कोप में इनका डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाई देगा, कि आपको एक डॉट लाइक दिखाई देंगे, इनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर आपको दिखाई नहीं देगा। अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखने के लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा इनको अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कि जो भी डायग्राम हम प्लास्टिड का देखते हैं बुक्स के अंदर देखते हैं, दैट इज वी हैव स्टडीड फ्रॉम द विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नाउ कम टू द लोकेशन। लोकेशन इज दैट दीज आर फाउंड मेनली इन द प्लांट सेल्स, ये प्लांट सेल्स में मिलते हैं, लेकिन कुछ हमारे पास प्रोटिस्ट भी हैं जिनके अंदर ये प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। दैट मीन्स ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे विच कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, कि वो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और वो हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। लाइक हमारे पास अमीबा है, हमारे पास पैरामीशियम है, ये कुछ ऐसे प्रोटिस्ट हैं विच पोसेस कलर्ड प्लास्टिड्स, जिनके अंदर कहते हैं कि वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट फाउंड, और यू कैन से इन विच क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड, और क्लोरोप्लास्ट कौन सा होगा, वो कलर्ड होगा, ग्रीन क्लोरोप्लास्ट वहाँ पर प्रेजेंट होगा। लेकिन दीज आर अब्सेंट इन द एनिमल सेल, एनिमल सेल में ये अब्सेंट होते हैं। एंड अगर हम टाइप्स की बात करते हैं, एक्चुअली इन हायर प्लांट्स देर आर वराइटी ऑफ फॉर्म्स एंड हैव वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, किनके जो स्ट्रक्चर होंगे और फंक्शन होंगे वो बहुत सारे होंगे अगर हम हायर प्लांट्स की बात करते हैं। बट बेसिकली दे कैन बी कैटेगराइज इन टू टू मेन ब्रॉड कैटेगरीज, दो ब्रॉड कैटेगरीज हमारे पास होंगे। पहला है कैटेगरी ल्यूकोप्लास्ट। अब ये जो ल्यूकोप्लास्ट है, इट इज आल्सो कॉल्ड कलरलेस प्लास्टिड, हम इसको कहते हैं कि इनमें कोई कलर नहीं होता। दैट मीन्स अफिर ये प्रेजेंट कहाँ होंगे, तो ये प्लांट के उस पार्ट में प्रेजेंट होंगे विच आर नॉट एक्सपोज टू द सनलाइट। अब आप देखिए बच्चों कि प्लांट का कौन सा पार्ट है जो सनलाइट को एक्सपोज नहीं होता, इसका मतलब कि जो अंडरग्राउंड पार्ट होगा, जिस अंडरग्राउंड पार्ट में रूट्स आ जाएंगी और अंडरग्राउंड स्टेम पार्ट आ जाएगा, तो ये वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और ये फर्दर थ्री टाइप्स के होते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट दे स्टोर, कि किस तरह का प्रोडक्ट ये स्टोर करते हैं। दैट मीन्स ये स्टोरेज करने वाले प्लास्टिड्स होते हैं। लाइक पहला है अमाइलोप्लास्ट, विच जो क्या स्टोर करता है, स्टार्च स्टोर करता है। लाइकवाइज एल्यूरोप्लास्ट विच स्टोर प्रोटीन्स, एलायोप्लास्ट विच स्टोर ऑयल्स। तो इस तरह से हमारे जो ल्यूकोप्लास्ट होंगे वो तीन तरह के हो सकते हैं। नाउ दीज आर मोस्टली प्रेजेंट इन द स्टोरेज सेल्स ऑफ द रूट्स एंड द अंडरग्राउंड स्टेम। नाउ कम टू द सेकेंड ब्रॉड कैटेगरी, दैट इज क्रोमोप्लास्ट। अब जो क्रोमोप्लास्ट है दीज आर कलर्ड प्लास्टिड, इनको हम कलर्ड प्लास्टिड यहाँ पर कह देते हैं, विच आर अक्कर इन द सेल्स दैट आर एक्सपोज टू सनलाइट, की जो प्लांट का पार्ट सनलाइट को एक्सपोज होता है ये प्लांट के उस पार्ट में मिलते हैं। और इसके आगे फर्दर दो सब टाइप्स हो जाते हैं, एक नॉन ग्रीन क्रोमोप्लास्ट और एक ग्रीन क्रोमोप्लास्ट। तो सबसे पहले लेते हैं ग्रीन क्रोमोप्लास्ट, जो होगा मेनली यहाँ पर जो लाइट एब्जर्विंग जो पिगमेंट होगा वो यहाँ पर क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल बच्चों आपको पता होना चाहिए ग्रीन कलर का होता है, हमेशा याद रखना इस बात को, कि जिस प्लांट के अंदर क्लोरोफिल मिलेगा दैट मीन्स उसके जो लीव्स होंगे वो ग्रीन कलर के होंगे। एंड इसको हम प्लास्टिड भी कह सकते हैं, इसको हम क्रोमोप्लास्ट भी कह सकते हैं। एंड मोस्टली कॉमनली दीज आर प्रेजेंट इन द लीव सेल्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द हायर प्लांट्स एंड सर्टेन ग्रीन एल्गी, कि हमारे पास एल्गी आप सभी समझ सकते हैं कि जो है काई की टाइप लग जाती है, वो ग्रीन कलर की भी हो सकती है और वेरियस कलर वहाँ पर होते हैं। नाउ कम टू द नॉन ग्रीन क्रोमोप्लास्ट। जब नॉन ग्रीन पार्ट बोल दिया इसका मतलब अब क्लोरोफिल नहीं होगा, उसके अलावा वहाँ पर डिफरेंट काइंड और या डिफरेंट कलर का वहाँ पर पिगमेंट होता है, लाइक वो रेड भी हो सकता है, वो ऑरेंज हो सकता है, वो येलो कलर का होता है। अब आप क्वेश्चन ये आता है कि
दीज कलर बिकॉज ऑफ विच काइंड ऑफ पिगमेंट एंड दैट पिगमेंट इज ड्यू टू कैरेटिनॉइड एंड जेंथोफिल की कैरेटिनॉइड और जेंथोफिल होता है। बच्चों एक बात और देखना कि जितने भी ग्रीन लीव्स होते हैं वो बाद में येलो कलर के हो जाते हैं, वो येलो कलर के क्यों हुए, बिकॉज ये जो कैरेटिनॉइड है ना ये एक स्टेबल पिगमेंट है, ये डिग्रेड नहीं होता, क्लोरोफिल डिग्रेड हो जाएगा, जेंथोफिल डिग्रेड हो जाएगा, लेकिन कैरेटिनॉइड जो है ये डिग्रेड नहीं होता, ये स्टेबल रहता है, इसलिए हम कहते हैं कि इट गिव्स येलो कलर टू द लीव्स। नाउ कॉमनली दीज आर फाउंड इन द सर्टेन एल्गी, कुछ एल्गीज में होते हैं जैसे रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, हमारे पास डिफरेंट काइंड्स की एल्गी है। इसी तरह फ्लावर आप देखते हैं वहां पर वैरायटी ऑफ कलर्स आर प्रेजेंट इन द फ्लावर, दैट इज बिकॉज ऑफ दीज टू पिगमेंट कैरेटिनॉइड एंड जेंथोफिल्स। हमारे पास रेड फ्लावर है, पर्पल फ्लावर है, येलो फ्लावर है, देर आर सो मेनी वैरायटी ऑफ कलर्स आर देर। इस तरह फ्रूट्स के हम डिफरेंट कलर्स देखते हैं, इस तरह रूट्स के हम डिफरेंट कलर्स देखते हैं इन हायर प्लांट, दैट इज ड्यू टू दीज जेंथोफिल एंड कैरेटिनॉइड। नाउ कम टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द प्लास्टिड की, यहाँ पर जो प्लास्टिड होगा इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होगा। देखिए बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, अब जो स्ट्रक्चर होता है दैट मे बी स्फेरिकल हो सकता है, ओवॉइड हो सकता है, डिस्कोइडल हो सकता है एंड लेंस शेप्ड स्ट्रक्चर इन क्लोरोप्लास्ट का हो सकता है। एंड ईच क्लोरोप्लास्ट क्या होती है, एक वेसिकल होती है विच इज बाउंडेड बाई डबल मेम्ब्रेन एनवलप, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पर इट इज यू कैन से डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर और वेसिकल होती है। एंड इट इज फिल्ड विद द फ्लूइड मैट्रिक्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे हमने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स होता है, इसलिए यहाँ पर फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे स्ट्रोमा, स्ट्रोमा क्या है यहाँ पे फ्लूइड मैट्रिक्स है। ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट, द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड फ्रीली परमिएबल, जैसा कि परमिएबल के बारे में आपको बताया जा चुका है, परमिएबल क्या मतलब क्या होगा, ये ऐसी मेम्ब्रेन होती है विच कैन अलाउ एनी स्मॉल मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट, दैट इज कॉल्ड परमिएबल, तो इसलिए स्मॉल मॉलिक्यूल्स को अपने में से पास आउट होने देती है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है दैट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, ये भी आपको बताया जा चुका है, जो सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी होती है कि इसमें कुछ कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, दे कैन अलाउ ओनली यू कैन से सेलेक्टिव मटीरियल टू एंटर द सेल और गो आउटसाइड द सेल, दैट मीन्स दे कंट्रोल द पासेज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ये कि जो इनर मेम्ब्रेन है इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, ये सेलेक्टिव होती है कि इट अलाउज ओनली सेलेक्टिव मटीरियल टू गो आउटसाइड एंड टू गो इनसाइड ऑफ द सेल। नाउ इट इज ग्रेटली इनफोल्डेड, कि जब यंग होता है प्लास्टिड ठीक है ना उस टाइम में ये इनफोल्डेड होती है, लेकिन जब क्लोरोप्लास्ट मैच्योर हो जाता है इट विल बिकम यू कैन से फ्री, ये फ्री हो जाती है, वो जो इनफोल्ड हुआ है वो इनफोल्ड ओपन हो जाता है और मैच्योर क्लोरोप्लास्ट क्या होगा, फ्रीली लाई एज लेमेली इन द मैट्रिक्स, कि जैसे हम स्ट्रोमा लेमेली देख रहे हैं ना, दीज आर स्ट्रोमा लेमेली, तो ये इस तरह से बिल्कुल इनफोल्ड इसमें नहीं है, तो इस तरह से ये मेम्ब्रेन ऐसे हो जाती है। नाउ कम टू द लेमेली क्या है, दीज आर द क्लोज्ड फ्लैटेंड membrane bound ovoid space called thylakoids and which lie closely to packed in the piles which is called grana। अब देखिए यहाँ पे कि ये इस तरह के structures बने हैं, these are called you can say यहाँ पर ये एक thylakoid है, ये दूसरा thylakoid है, तीसरा, ये दूसरे एक दूसरे के ऊपर ऐसे pile up हो गए हैं और इसको हम structure को क्या बोलेंगे, grana, means these are the grana, ये plural है, अगर हम इसको बोलेंगे सिंगुलर में तो ये ग्रेनम कहलाएगा, ग्रेनम मीन्स इसका एक जो होगा ये ग्रेनम कहलाएगा, अगर हम प्लूरल में लेंगे पूरे को दैट इज कॉल्ड ग्रेना। नाउ कम टू द मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स क्या होगा बच्चों, इट इज कलरलेस ग्रेनुलर कोलोइडल ग्राउंड सब्सटेंस कॉल्ड स्ट्रोमा, कि इस जो मैंने फ्लूइड मैट्रिक्स की बात की थी इट इज कॉल्ड स्ट्रोमा, इसके अंदर क्या होगा, इट कंटेन्स सेवरल प्रोटीन्स लिपिड्स राइबोसोम्स सर्कुलर डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल्स एंजाइम्स लिपिड्स ड्रॉपलेट्स एंड सर्टेन मेटल आयंस आर प्रेजेंट हेयर। नाउ अगर हम स्ट्रोमा की बात करते हैं और अगर हम ग्रेना की बात करते हैं तो हमें पता है बच्चों कि आपने छोटी क्लासेस में देखा कि हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं और फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शंस हम पढ़ते हैं, एक लाइट रिएक्शन होता है और एक डार्क रिएक्शन होता है, तो यहाँ पर जो लाइट रिएक्शन है इट अकर्स इन द ग्रेनम, मीन्स यहाँ पर होगा लाइट रिएक्शन, कहाँ पर होगा,
इस ग्रैनम रीजन में, क्योंकि जो हम क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंट कर बात करते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट है दैट इज प्रेजेंट इन द ग्रैना, दैट मीन्स कि जो ग्रैना होंगे, ये जो आप ट्यूबलेस में मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इट ट्रैप द सनलाइट, मेन काम इनका सनलाइट ट्रैप करने का होता है. ओके, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डार्क रिएक्शन, इट अकर्स इन द स्ट्रोमा रीजन, तो जो डार्क रिएक्शन होगा वो स्ट्रोमा रीजन के अंदर होता है. इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि जो लाइट ट्रैपिंग रीजन है वो ग्रैना है, और जो फूड जहाँ पर हम कहते हैं कि बनता है, कि जिसमें जो केमिकल एनर्जी यहाँ सिंथेसाइज होती है, दैट इज यूटिलाइज्ड इन द डार्क रिएक्शन टू सिंथेसाइज द फूड, एंड फूड इज यू कैन से व्हाट इज फॉर्म्ड, दैट इज स्टार्च इज फॉर्म्ड, और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, फोटोसिंथेसिस. तो दिस इज अबाउट द यू कैन से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. इसका मतलब क्या होगी, जो साइट है हमारे पास लीफ के अंदर, कि अगर हम आपसे कोई पूछा था व्हाट इज द साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, तो हमारा आंसर होना चाहिए कि जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, किचन ऑफ द सेल. क्या बोल देंगे इसको, किचन ऑफ द सेल हम इसको कहते हैं, क्योंकि हमें बच्चों पता है कि हम किचन किसको कहते हैं, जहाँ फूड हम अपने घरों में बनाते हैं उसको हम किचन कहते हैं, उस रूम को हम किचन कह देंगे जहाँ पे खाना बन रहा है. तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है, और इसीलिए इसको हम किचन ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं. वन मोर थिंग वी विल डिस्कस हेयर, कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है. इसका मतलब ये जो प्लास्टिड्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, ये भी ऑटोनोमस होते हैं, दे कैन आल्सो सिंथेसाइज प्रोटीन, ये भी प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सकते हैं, और यू कैन से अपने आप को डुप्लीकेट कर सकते हैं, अपनी वियर टीयर, अपनी रिपेयर खुद कर सकते हैं. ओके, तो इसलिए इनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली के नाम से भी जाना जाता है. तो दिस इज अबाउट द यू कैन से स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, और यू कैन से प्लास्टिड्स. नाउ कम टू द मेन फंक्शंस ऑफ द प्लास्टिड. पहला फंक्शन बच्चों ये है कि दे ट्रैप द लाइट एनर्जी, एनर्जी को ट्रैप करते हैं, उसको केमिकल एनर्जी जैसे ATP और NADPH में कन्वर्ट करते हैं. ओके, और उसके बाद जो ATP है और जो NADPH है, इट इज यूटिलाइज इन द डार्क रिएक्शन टू सिंथेसाइज द फूड. तो दिस इज द यू कैन से फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन ऑफ द यू कैन से प्लास्टिड, और उस प्रोसेस को हम नाम देंगे फोटोसिंथेसिस. नाउ कम टू द सेकेंड, कलर्ड क्रोमोप्लास्ट, कि जो कलर्ड क्रोमोप्लास्ट होते हैं, दे इम्पार्ट कलर टू द वेरियस फ्लावर्स. हम देखते हैं कि हमारे आसपास बगीचों में, हमारे गार्डन्स में बहुत सारे तरह के फ्लावर्स होते हैं. अब फ्लावर का कलर डिफरेंट होने की वजह क्या होगी बच्चों, ये नहीं है कि वो हमें अच्छे लगे, वो इसलिए होते हैं बिकॉज फ्लावर्स और प्लांट दे वॉन्ट टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट. जब इंसेक्ट उनके पास आएंगे, विजिट करेंगे, वो वहाँ से विजिट करेंगे, उसके ऊपर बैठेंगे, वहाँ से वो नेक्टर कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो उनकी बॉडी से क्या होगा, उनके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो उनकी बॉडी से स्टिक कर जाएंगे, और वो जब दूसरे फ्लावर पे जाएंगे तो वहाँ जो स्टिग्मा पार्ट होता है, फीमेल पार्ट, वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुँच जाता है. इसको हम पोलिनेशन का नाम देते हैं. तो दैट मीन्स इट हेल्प इन द पोलिनेशन प्रोसेस. फिर हम दूसरा बात करते हैं कि वी आर एबल टू फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ द फ्रूट्स, कि हमारे पास डिफरेंट काइंड्स के फ्रूट्स होते हैं. इसका मतलब दैट इज बिकॉज ऑफ दिस कलर्ड क्रोमोप्लास्ट, तो हमारे पास डिफरेंट काइंड्स के फ्रूट होंगे, वेरियस कलर्स के फ्रूट्स होंगे, तो वो भी किस लिए हैं, दे विल आल्सो अट्रैक्ट द डिफरेंट एनिमल्स. जब एनिमल अट्रैक्ट होगा फ्रूट की तरफ, उसको उठा के ले जाएगा, डिफरेंट एरिया में जाके डाल देगा, तो दैट मीन्स उसका सीड डिस्पर्सल हो गया. तो यहाँ पर इसका सिग्निफिकेंस है. नाउ कम टू द ल्यूकोप्लास्ट, कि जो यू कैन से नॉन ग्रीन क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है ना, वो उनको हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, जिनका कोई कलर नहीं होता. वो फूड स्टोर करने में हेल्पफुल होते हैं, जैसे स्टार्च को स्टोर कर लेते हैं मीन्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, और फैट्स को स्टोर कर लेते हैं, और प्रोटीन्स को स्टोर यहाँ पर कर लेते हैं. तो दिस इज अबाउट द ऑल अबाउट द प्लास्टिड. तो बच्चों आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा, और जो चैनल के साथ नए लोग जुड़े हैं, जो देख रहे हैं चैनल को, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को दूसरों के साथ शेयर जरूर करें. और अगला जो लेक्चर होगा दैट इज़ आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज़ अबाउट द वैक्यूल्स. तो टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू.